में उन्होंने लिया था, और हमारा टीम्स का जो हमारे YSS का एफर्ट्स को देखा, जिस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, इतना बेहतरीन और शानदार तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, उस सब को देखकर उन्होंने इस बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का और बड़ा हिस्सा लेने का हमारे स्पॉन्सरशिप में इरादा किया था, और हम लोग ने उसको कबूल भी किया। और अरोमिनल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिल सकता है। स्मॉल पीरियड्स टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, आप 1 महीने में 1 महीने का या 6 महीने का ऐसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, उसमें आपके हिसाब से प्रॉफिट है, लेकिन सारे चीज़ सब्जेक्ट टू मार्केट चेंज रहता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यंगस्टार सुकने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा पैमाने में जो ऑर्गेनाइज करता है। यंग स्टार सुकने का तो उसमें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका सब एक एक का जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। ज़बरदस्त एफर्ट सबका रहता है, हर हर डिपार्टमेंट हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट हेड बना देते उस तरह से सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनके डिपार्टमेंट हेड वाले वो अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेंड करते हैं कि हर जो भी उनको काम दिया जाता है उस काम में वो 100% अपना खड़े उतरते हैं। इसलिए सारे बच्चों का YSS का सब YSS के सारे बच्चों का लाजवाब एफर्ट्स रहता है, इसलिए आज नंबर 1 टूर्नामेंट है उड़ीसा का। जी, आपको दूसरा सवाल रहेगा इस रोमानियल SPL 13 पे कितना टीम इस बार आप प्लान किए हैं? हम लोग इस बार डिसाइड किए इंशाल्लाह 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे इस साल के लिए, और वो डेट 20 टीम्स के लिए इंशाल्लाह अक्टूबर 10 से अप्लाई का ओपन हो जाएगा। टीम्स अक्टूबर 10 से अप्लाई कर सकते हैं टिल द नवंबर 10 तक। उसके बाद हम टीम सेलेक्ट करेंगे कौन सा 20 टीम्स इस बार SPL में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो 2 दिन का पीरियड्स रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर नवंबर 10 में ख़त्म होता है तो नवंबर 12 तक हम 20 टीम्स को जो भी हम लोग फाइनलाइज्ड किए होंगे उनको मैसेज कर देंगे कि आप जो है आपका एंट्री फुल एंट्री आप 10 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई टीम दिसंबर 10 तारीख के पहले तक और या दिसंबर 10 तारीख तक एंट्री सबमिट नहीं कर पाया तो फिर जो हमारे लिस्ट में और टीम होंगे हम उनको अप्रोच करेंगे और उनको टाइम देंगे कि आप इस डेट तक आप अपना एंट्री सबमिट करके आप SPL ज्वाइन कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुमानी SPL 13 में एंट्री फी कितना रखा गया है? इस बार तो एंट्री फी 8,000 है, और बहुत सारे अवार्ड्स और आपको पता है SPL में किस तरह का ट्रॉफीज होते हैं, और माशाल्लाह से जो हमारा विनिंग ट्रॉफी है इस बार हम ऑर्डर उसको करने वाले हैं। बेहतरीन डिज़ाइन बनाया गया है, अगर वैसे सेम टू सेम आता है तो काफ़ी लाजवाब ट्रॉफी इस साल का भी होने वाला है। जी, यानी कि इस साल जो अरोमाल 13 पे आप 8,000 एंट्री फी रखे हैं, तो उसके हिसाब से 20 टीम है, तो चैंपियंस का कैश विथ ट्रॉफी कितना रहेगा?
एक तो चैंपियंस के लिए हम लोग 1 लाख विनिंग प्राइज रखे हैं और रनर्स अप 60,000 है। उसके साथ साथ जो हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं, दो सेमीफाइनलिस्ट के लिए 10-10,000 का रिवॉर्ड्स है, और एक फिफ्थ पोजीशन हमने रखा है। जब आपको हम बताएंगे इसका आर्किटेक्ट के कैसे ये टीम्स परफॉर्म करेंगे यहाँ पे किस तरह का, तो वहाँ पे एक फिफ्थ पोजीशन आता है। उस फिफ्थ पोजीशन के लिए भी हम एंट्री रिटर्न्स रखे हैं। जी बिल्कुल। और रनर्स अप कैश कितना रहेगा और ट्रॉफी के साथ रनर्स अप कितना रहेगा? रनर्स अप 60,000 विस ट्रॉफी रहेगा। मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि सुकने प्रीमियर लीग 13 यानी कि अब जो ओरमानिल है वो ऑफिशियली पार्टनरशिप बन चुका है SPL 13 के लिए। यानी कि अब हम कह सकते हैं ओरमानिल SPL 13 जो एंट्री रहेगा 8,000 और 20 टीम्स यानी कि 20 टीम इसमें अंशग्रहण करेंगे। और चैंपियंस जैसे हमारे साथी बता के गए कि चैंपियंस जो रहेगा वो चैंपियंस टीम को आप और रोमानी SPL 13 में 1 लाख प्लस एक चमचमाती हुई ट्रॉफी और रनर्स अप के लिए यहाँ पर रहेगा 60,000 और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। और जैसे मेरे साथी आदिल ने बताया कि गए कि सेमीफाइनल में जो दो टीम कट जाएगा तो उनके लिए 10,000 प्लस ट्रॉफी रखा गया है। और एक न्यू सिस्टम ला रहा है यहाँ पर अनुमल 13 ने, फिफ्थ जो एलिमिनेटर मैच में जो कट जाएगा उसके लिए 8,000 यानी कि एंट्री रिटर्न रहेगा और ट्रॉफी रहेगा उसके साथ। तो इस आदिल मैं आपको अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि जो 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें मैच का कौन सा फॉर्मेट रहेगा, किस फॉर्मेट में मैच खेला जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे 20 टीम के लिए हम लोग ने काफ़ी सोचा था कि 20 टीम को किस तरह से मैच खिलाया जाए। बाद में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और रन रेट का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है इस स्ट्रक्चर में। जैसे हमारे टीम्स पहले मैच खेल रहे थे एक दिन में 2 मैच, वैसा ही खेलेंगे, बट वो लीग स्टेज मैच रहेगा। पहले दिन के मैच में 4 टीम पार्टिसिपेट करेंगे और वो पहला लीग स्टेज 1 खेलेंगे। वहाँ से 2 टीम लीग स्टेज 2 के लिए उठेंगे। वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5 फाइव डेज में 5 टीम क्वालिफाई करेंगे लीग स्टेज 2 में। और हमारा जो छठा दिन है, सिक्स्थ डे, वहाँ पे जो 5 टीम उठे होंगे 5 दिन में, उनका रन रेट देखा जाएगा कि टॉप 3 टीम का रन रेट क्या है। जो भी टॉप 3 टीम के हाई रन रेट रहेंगे, वो तीनों टीम डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। बॉटम के 2 टीम जो हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ टीम, वो एलिमिनेटर मैच खेलेंगे सिक्स्थ डे में। एलिमिनेटर मैच जो भी जीतता है वो टीम फिर क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल में। फिर सेमीफाइनल हमारा सिक्स्थ डे में सेमीफाइनल खेला जाएगा। जो सेकंड रन रेट, हाईएस्ट सेकंड रन रेट एंड लास्ट एलिमिनेटर टीम्स विनर, उनके बीच में, और सेवेंथ डे में सेमीफाइनल खेला जाएगा। फर्स्ट हाईएस्ट रन रेट एंड थर्ड हाईएस्ट रन रेट के बीच में, ये जी हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। जी बिल्कुल। यानी कि जो 4 टीम है वो एवरीडे आएगा बिल्कुल
और वो चार टीम में से पहले क्वालिफाई स्टेज वन खेला जाएगा, उसमें से दो टीम जी क्वालिफाई करेगा स्टेज टू के लिए। जी बिल्कुल जी, उस दो टीम में जो क्वालिफाई स्टेज टू है उसमें से एक टीम जो क्वालिफाई करेगा, पांच टीम जो 5 दिन में क्वालिफाई करने के बाद छठे दिन में जो रन रेट देखा जाएगा। जी बिल्कुल सही जी जी। उसके बिल्कुल बाद जो है 5 दिन के बाद जो छठवें दिन में टॉप 3 रन रेट के टीम को डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, और जो नंबर 4 और 5 में जो रहेगा वो एक एलिमिनेटर मैच खेलेगा, उसमें से जो बिल्कुल क्वालिफाई करेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और वो 3 टीम के साथ ऐड होके सेमीफाइनल खेलेगा। बिल्कुल जी, और इस बार कौन क्या स्पेशल रोमानियन स्पेल 13 ला रहा है? स्पेशल तो बहुत कुछ है, जैसे इस बार थोड़ा एडवांस कैमरे का प्रपोजल है, थर्ड अंपायर के डिसीशंस का है, और मतलब डेकोरेशन में भी बहुत सारा चीज को अपनाया, एडवांस किया गया है। उसके साथ साथ काफी ज्यादा ट्रॉफीज के साथ हमने कैश प्राइज, कैश रिवॉर्ड्स रखा है, जो वो काफी एक्साइटेड होगा प्लेयर्स को खेलने के लिए भी, क्योंकि हर ट्रॉफी के साथ इस बार हम मैक्सिमम कैश प्राइस पे करेंगे। जी बिल्कुल। और जो एक बार डेट बता देंगे कि टीम कब से अप्लाई स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल, जैसे मैं पहले बताया कि हम लोग का जो टीम अप्लाई डेट है वो अक्टूबर 10 से स्टार्ट होता है टिल द एंड ऑफ नवंबर, नवंबर 10। 1 महीने का टाइम है टीम्स को अप्लाई करने के लिए। सारे टीम अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर 12 को हम 20 टीम्स सेलेक्ट करके, जो 20 टीम्स का टीम हमारे पास रहेंगे उनको हम मैसेज कर देंगे कि आप दिसंबर 10 तारीख के अंदर हमें फुल एंट्री फीस पे कर दीजिए। अगर उनमें से कोई टीम एंट्री फी नहीं पे कर पा रहा है, थर्टीन में आ सकते हैं। और मैं और एक बार मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा, जो SPL 13 है अरोमानिल SPL 13 में एंट्री फी है 8,000, चैंपियंस रखा गया है 1 लाख प्लस ट्रॉफी, रनर्स अप 60,000 विथ ट्रॉफी, सेमीफाइनल दो टीम जो कर जाएंगे उनके लिए रखा गया है 10,000 प्लस ट्रॉफी, एलिमिनेटर मैच में जो यानी कि नंबर 5 में जो रहेगा एलिमिनेटर मैच में जो कट जाएगा उसको एंट्री रिटर्न है यानी कि 8,000 प्लस ट्रॉफी के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आज हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे औरमानिल के मैनेजिंग डायरेक्टर इनाम रसूल का, जो ने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप के लिए एग्री किया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, टी पार्टी जो होता है यानी कि शेड्यूल जो बनता है वो कौन सा डेट में रखा गया है? टी पार्टी का जो स्केड्यूल है वो हमारा फुल एंट्री जब रिसीव्ड हो जाएगा इसमें नवंबर सॉरी दिसंबर 10 तारीख में होगा, और सारे टीम से भी अनुरोध है कि आप उस टी पार्टी में आकर ज्वाइन करें और हमारा
उस दिन ट्रॉफी को भी हम इनॉगरेट करेंगे। वहाँ पे आप ट्रॉफीज भी देख सकते हैं एसपीएल अरोमेनल एसपीएल 13 का। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो एसपीएल को अरोमेनल एसपीएल को जो इतना सफलता मिला है उसके पीछे हमारे स्पॉन्सर्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। काफ़ी ज़बरदस्त फाइनेंशियली हेल्प उन्होंने किया है हमें, जिस वजह से हम लोग जो भी अचीवमेंट चाहते अचीवमेंट कर पाए हैं। मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ YSS का, BMS, बैतुल माल वेलफेयर सोसाइटी का, AA फैशन, उत्कल वैरायटी स्टोर, बॉम्बे फैंसी कलेक्शन एंड स्टाइल किड्स, लेडीज जेंट्स फैशन, होडा एजेंसीज, लायंस ग्रुप और खास तौर से बाबा स्पोर्ट्स का। बाबा स्पोर्ट्स सालेपुर मेन रोड पे है। बेहतरीन स्पोर्ट्स का आपको एसेसरीज वहाँ पे मिल सकता है और वो हमारे काफ़ी बड़े स्पॉन्सर में से एक माने जाते हैं। इन सब का एक साथ होकर हमारे साथ जुड़ना और एसपीएल को काफ़ी मजबूती देना, बहुत बहुत शुक्रिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यंग स्टार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और जैसे हमारे को स्पॉन्सर के बारे में बता गए आदिल अहमद ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार बता देना चाहूँगा मैं आप सभी को कि ओरोमानिल एसपीएल 13 जो है उसका डेट क्या है, ये अहम सवाल रहा है। बिल्कुल, अरोमिनल SPL 13 इंशाल्लाह स्टार्ट होगा 20 जनवरी से और एंड होगा 26 जनवरी में। फाइनल डे 26 जनवरी, और इस बार 7 डेज का टूर्नामेंट है तो लोगों को ज़्यादा एंटरटेन देखने को मिलेगा। पहले 5 दिन का होता था, इस बार 2 दिन बढ़ाया गया है, 7 डेज किया गया है, तो और ज़्यादा थोड़ा सा एंटरटेन मिलेगा हमारे लोकल पब्लिक्स को भी और हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों को भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरोमानिल SPL 13 जो है वो जनवरी 20 से 26, 7 डेज का, और 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपका जो डेट है वो 20 अक्टूबर से नवंबर 10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर और जी, चैंपियंस यहां पर 1 लाख विथ ट्रॉफी, रनर्स अप 60,000 विथ ट्रॉफी, लूजिंग टू टीम्स इन सेमीफाइनल 10,000 विथ ट्रॉफी, और जो एलिमिनेटर मैच में जो कट जाएगा उसको 8,000 विथ ट्रॉफी, यानी कि उसका जो एंट्री है वापस किया जाएगा। और लाइव देखने के लिए SPL 13, अरोमानिल SPL 13 हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है टाइम पास विथ HR, और फेसबुक पे आप हमें फॉलो करते हैं शुकनी प्रीमियर लीग, इंस्टाग्राम में है शुकनी प्रीमियर लीग। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदिल आपको, अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शक और टीम मेंबर्स और सभी टीम के मैनेजर, ओनर और कैप्टन को एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और आज का जो हमारा शो है मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आपका भी हमें मौका दिया यहाँ पे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।